कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। आज हफ्ते की शुरुआत में खाद्य तेल के मार्केट में, सरसों सोयाबीन के बाजार में, लोकल मिलों में आज क्या कीमतें चल रही हैं, घरेलू बाजार में, विदेशी मार्केट में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बहुत ज्यादा बाजारों में ना तेजी के साथ आज के दिन शुरुआत हुई है बाजारों में कामकाज की, और ना ही बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। सोयाबीन की अगर कीमतों के बारे में बात करते हैं, दाम बाजारों में स्थिर देखे गए सोयाबीन के। व्यापारियों के अनुसार घरेलू मार्केट में दैनिक आवक बराबर बनी हुई है, प्लांट जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं, ऐसे में हल्का सुधार देखा जा सकता है, लेकिन बड़ी तेजी आने के आसार कम है। शिकागो में आज सोयाबीन, सोया तेल और मील के दाम में हल्की सी कमजोरी दर्ज करी गई है। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार सोया तेल की वैश्विक आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, लेकिन इस समय मांग भी सामान्य से कम है, इसीलिए बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा मंदा भी नहीं है। महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट में सोया तेल 1000 से 1005 और सोयाबीन 4660 से 4740 के दायरे में बना हुआ है। कांडा बंदरगाह पर सोया रिफाइन 950 के स्तर पर देखा जा रहा है, यहां से मामूली बढ़त भी देखने को मिल सकती है। सोयाबीन बिजाई काफी तेजी से हो रही है, सरकारी आंकड़े सोयाबीन बिजाई बढ़ा रहे हैं, जबकि किसानों का रुझान कम होता हुआ नजर आ रहा है। जुलाई के बाद सही तस्वीर मार्केट में बन सकती है। अर्जेंटीना, ब्राजील में सोयाबीन उत्पादन में कमी, लेकिन फिर भी पर्याप्त है, इसीलिए सोयाबीन में बड़ी तेजी नहीं है। हालांकि बाजार 100 से लेकर 150 रुपए बढ़ने की गुंजाइश में नजर जरूर आ रहा है। अब आज के रेट के बारे में बात करते हैं, तो आज बाजारों में स्थिरता दर्ज करी गई है, जिसमें लातूर में आज का रेट 4660 रुपए देखा जा रहा है। अरिहंत प्लांट का रेट है ये, ऑक्टोगन प्लांट में कीमतें 4670 है, धननाश प्लांट का रेट 4710 है, विजय प्लांट में कीमतें 4780 रुपये देखी जा रही हैं, धुलिया में डिसान प्लांट का रेट 4600 है, नारेड में सिद्ध रामेश्वर प्लांट में कीमतें 4630 चल रही हैं। महाराष्ट्र में जो सोया ऑयल में रेट देखा जा रहा है, सोया ऑयल रिफाइंड प्लांट में, उसमें डिसान प्लांट का रेट 965 है, धननाश प्लांट में कीमतें 965 है, एग्रो प्लांट का रेट 965 है। सतगुरु प्लांट में जो आज की कीमतें हैं वो 950 देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में इसके अलावा सोयाबीन प्लांट में आज के रेट में प्रकाश प्लांट का रेट 4500 है, प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4550 चल रही हैं, धनुका प्लांट का रेट 4570 है, सावरिया प्लांट में आज की कीमतें 4570 रुपये देखी जा रही हैं। सोया ऑयल में मध्य प्रदेश में महेश प्लांट का आज का रेट 945 है, प्रकाश प्लांट का आज का रेट 950 है, अवि प्लांट में कीमतें 947 है, खांडवा ऑयल प्लांट में आज का रेट 955 आपको बाजारों में आज के दिन देखने को मिल सकता है। बाजारों में आज के दिन स्थिरता दर्ज करी गई है, बहुत ज्यादा ना ही मार्केट तेज है और ना ही बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई है। अब इसके अलावा किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, आज विदेशी मार्केट में, लोकल मार्केट में क्या कीमतें चल रही हैं, सरसों के बाजार में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, आपको इसके बारे में खबरों में आगे विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले, अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जाएगा खाद्य तेल के मार्केट में, आने वाले टाइम में क्या कीमतें देखी जा सकती हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, विदेशी बाजारों से जो खबरें आ रही हैं उसके बारे में अगर बात करी जाए, तो विदेशी बाजारों में आज कमजोरी देखी गई है। CBOT सोया तेल प्रोजेक्शन में काफ़ी गिरावट दर्ज करी गई है। चीन के DCE एक्सचेंज पर पाम और सोया तेल भी कमजोर कारोबार कर रहा है। अन्य मार्केट की कमजोरी के चलते KLC भी गिरावट के साथ खुला है। हालांकि मजबूत पाम तेल निर्यात से KLC निचले स्तरों से रिकवर हुआ है। KLC सितंबर अनुबंध का समर्थन 3780 पर है, जबकि प्रतिरोध 4150 पर देखा गया है। बाजार के फंडामेंटल अभी भी बड़ी तेजी या मंदी के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी आपूर्ति के बीच खुदरा मांग की चिंता से खाद्य तेल की कीमतों में नियंत्रण देखा गया है। भारतीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतें सभी बाजारों में स्थिर से 5 रुपए प्रति 10 किलो के बीच खुलने का अनुमान जरूर लगाया जा रहा है। मलेशिया पाम तेल स्टॉक बढ़ने से KLC में लगभग 3% तक की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ, लेकिन निर्यात में सुधार से KLC सितंबर अनुबंध 3900 के ऊपर बंद हुआ है। घरेलू मार्केट में पाम तेल में ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। कांडा बंदरगाह पर CPO 850 से 860 के दायरे में है, ओली 900 के आसपास पर बना हुआ है। यहाँ से सुधार जो है वो जरूर आ सकता है, लिमिटेड सुधार होगा, गिरावट की संभावनाएं बेहद कम है। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है लोकल मिलों में, तो आज बाजारों में दाम स्टेबल है, बहुत ज्यादा बाजारों में न तेजी दर्ज करी गई है, ना मंदी दर्ज करी गई है, विदेशी मार्केट से बहुत अच्छे संकेत नहीं है।
आज लोकल मिलों में वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम का 1640 है, पावलीन में रेट 15 किलोग्राम का 1530 चल रहा है, बावर्ची ब्रांड में 15 किलोग्राम में 1 लीटर में कीमतें 92 रुपए है, सोया ऑयल का रेट 15 किलोग्राम में 1620 चल रहा है, बावर्ची ब्रांड में सोया ऑयल में कीमतें 1 लीटर में 98 है, फॉर्चून का रेट 15 लीटर में 1690 है, फॉर्चून में 1 लीटर में आज की कीमतें 115 है, बेस्ट चॉइस का रेट सोया रिफाइंड में 1 लीटर में 92 है, पामलिन में कीमतें 1 लीटर में 86 चल रही है, बिनोला ऑयल का रेट 10 किलोग्राम में 970 देखा जा रहा है, सनफ्लावर में जो आज की कीमतें हैं 10 किलोग्राम में वो 980 चल रही हैं, मूंगफली का रेट 10 किलोग्राम में 1490 है। ओवरऑल मार्केट में जो आज का ट्रेंड आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत ज्यादा तेज नहीं है, मार्केट में बहुत ज्यादा ना तेजी दर्ज करी गई है ना ही ज्यादा गिरावट दर्ज करी गई है। होलसेल के बाजार के बारे में अगर बात करी जाए, राइस ब्रांड में आज का रेट मार्केट में 91 चल रहा है, सोया ऑयल में कीमतें 99 है, सोया डीओ का रेट 97 है, मस्टर्ड में आज की कीमतें 119 है, एक्सप्रेस का रेट 117 है, पामलिन में आप 92 रुपए तक की कीमतें देखकर चल सकते हैं। अब इसके अलावा किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सरसों सीड के मार्केट में, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो सरसों सीड में पिछले हफ्ते की शुरुआत में गिरावट के बाद रिकवरी को देखते हुए जयपुर सरसों दाम 6050 के आसपास पहुंच गया, आवक 3 लाख बोरी तक लिमिटेड रही। 19 जुलाई से राजस्थान में नेफेड बिक्री की घोषणा से इस सप्ताह सरसों में 25 से 50 रुपए तक की तेजी मंदी के साथ कारोबार स्थिर रहने की संभावनाएं हैं। सप्ताहांत में सरसों पर नेफेड बिक्री दबाव 100 से 150 रुपए तक बढ़ सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा। सरसों तेल ऊपर भाव पर मांग अटक सकती है क्योंकि सोया तेल से अंतर 20 रुपए प्रति किलो से ज्यादा है। जयपुर सरसों तेल कच्ची खानी की अगर बात करते हैं तो 1174 प्रति 10 किलो पर इसका रेट पहुंच चुका है, जुलाई अंत तक 1150 से 1200 का दायरा देखा जा सकता है। नवरात्रि को देखते हुए डिमांड अच्छी अगर रहती है तो मार्केट में तेजी भी आ सकती है। बात करते हैं रेट के बारे में कि क्या बाजारों में रेट देखे जा रहे हैं सरसों सीड के, तो आज अभी 6100 का रेट चल रहा है जयपुर में, दिल्ली में कीमतें 5975 है, भरतपुर का रेट 5705 है, सुमेरपुर में आज की कीमतें 5950 चल रही है, ग्वालियर में आज का रेट 5600 है, मुरैना का रेट 5500 है, मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्लोर में इसके अलावा जयपुर में रेट 1155 है, दिल्ली का रेट 1145 है, भरतपुर में रेट 1140 है, कच्ची घानी में जयपुर में रेट 1165 चल रहा है, कोटा का रेट 1200 है, भरतपुर में रेट 1170 चल रहा है। इसके अलावा प्लांटों में सरोनी शमशाबाद में कीमतें आज की 6450 है, जहां 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी डिग्रेड में आज का रेट 6475 है, जहां 25 रुपए तक की नरमी आई है। सलोनी अलवर का रेट 6400 है, जहां 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। और सलोनी कोटा में आप 6400 रुपए तक का रेट देखकर चल सकते हैं, जहां पर भी 25 रुपए तक की आज के दिन गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। तेलों पर अभी दबाव चल रहा है, इसकी वजह से सरसों में आपको स्थिरता देखने को मिल सकती है, लेकिन जो अगस्त का महीना है और जल्दी ही अभी नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं और रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों को देखते हुए डिमांड बनती है तो बाजार में तेजी जरूर आ सकती है। फिलहाल ओवरऑल जो आज का ट्रेंड है वो आपको फ्लैट देखने को मिल सकता है, मार्केट में ना बहुत ज्यादा गिरावट आई है ना ही बहुत ज्यादा तेजी दर्ज करी गई है, एक अच्छा रेट देखा जा रहा है। खरीदारी करने के लिए आप जरूरत के हिसाब से गिरावट पर यहां से खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।